हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने वाले पालक की भजिया टेस्टी एंड क्रिस्पी, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ में हमने इमली की चटनी भी ऐड करेंगे। चलिए देख लेते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की भजिया, जो बहुत ही आसान तरीके से हम बनाने वाले पालक की भजिया। रमजान शरीफ में बनाएंगे हम पालक की भजिया। चलिए देख लेते हैं हमारे पालक की भजिया। बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश पालक। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन और स्वाद अनुसार नमक और रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हमें पालक को बारीक बारीक कट कर लेना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पालक की भजिया बनाने की रेसिपी। पालक की भजिया बनाने के लिए हमने पालक को अच्छी तरीके से कट कर लिया है। चलिए बना लेते हैं पालक की क्रिस्पी भजिया। कटी हुई पालक में हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हल्का सा पानी डालकर। पालक की भजिया का बैटर हमारा तैयार हो चुका है। चलिए अब बना लेते हैं क्रिस्पी एंड टेस्टी पालक की भजिया। फ्राई करने के लिए हमने लिया है 1 कढ़ाई में ऑयल और इसे हाई फ्लेम में हम हीट करेंगे। इसके बाद हम पालक की भजिया को ऐसे फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। एक एक करके हमें ऐसे ही पालक की भजिया को फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से। ये देखिए हमारी पालक की भजिया अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। हमें ऐसे ही एक एक करके सारी भजिया को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। ये देखिए हमारी पालक की भजिया जो फ्राई हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी हमने बनाया है पालक की भजिया बहुत ही आसान तरीके से। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आप रमज़ान में इसे बना सकते हैं। साथ में हमने इसमें इमली की चटनी ऐड किया है। टेस्टी एंड क्रिस्पी पालक की भजिया आप भी ट्राई कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।